दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञा की रसोई। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पालक की भाजी। तो ये है हमारे पास पालक भाजी। तो अभी मैंने इसे ताज़ा मार्केट से ख़रीद कर लाया है, तो इसे मैंने कट करके रख लिया है और इसकी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो अभी हम बनाएंगे मिक्स दाल और पालक की सब्जी। तो बहुत ही पौष्टिक होता है, आयरन से भरपूर होता है ये पालक, और हमारे मिक्स दाल तो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो चलिए फिर हमारे साथ बने रहिए और हम कैसे बनाते हैं आप देखते रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे पास रखी हुई है मिक्स दालें। तो ये है हमारे पास मूंग की दाल, तो थोड़ा सा मैंने मूंग का दाल लिया है यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे पास अरहर की दाल, और यहाँ पे है हमारे पास मसूर की बिना छिलके वाली दाल। तो सारी दालें हम बिना छिलके वाली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी टमाटर ली है, 6-7 टमाटर लिया है मैंने। यहाँ पे मिर्ची है मेरे पास, ये है मेरे प्याज, और मैंने यहाँ पे लहसुन भी लिया है, और मैंने जो पालक भाजी है उसे कट करके रख लिया है। तो इसे अब मैं धो लेती हूँ और सारी चीज़ों को एक साथ कुकर में डाल दूंगी पकने के लिए। तो चलिए फिर हमारे साथ बनिए रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और पौष्टिक सेहत से भरपूर दाल बनाकर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी जो पालक आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पालक और मिक्स दाल बनाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए हम पहले भाजी को धो लेते हैं, उसके बाद फिर सारी दालों को धो लेंगे और कुकर में एक साथ सारी चीज़ों को चढ़ा देंगे पकने के लिए। हमारे पास पानी रखा हुआ है, तो मैं इसमें पालक को अच्छे से खंगालते हुए धो लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे पालक को धो लेती हूँ और इसके पानी को झड़ा दूँगी। तो इसे मैं थोड़ा देर भिगा के रख देती हूँ ताकि जो मिट्टी है वो निकल जाए इससे। और यहीं पे मेरे पास है कुकर, तो इस कुकर में मैं दालों को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास अरहर की दाल, यहाँ पे है मसूर की दाल, और यहाँ पे है हमारे पास मूंग की दाल। तो इन सभी को मैं पानी डालकर अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे धो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी का कलर चेंज हो चुका है, तो इसे फेंक देती हूँ और एक बार और पानी डालकर इसे धो लूँगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दालें बहुत अच्छी तरह से धुल चुकी हैं। तो यहीं पे मैं डाल दूँगी अपने पालक को। तो पालक को पहले धो लेती हूँ, फिर उसके बाद इसी में ऐड कर दूँगी। पालक के पानी को निचोड़ते हुए मैं इसमें डालते जा रही हूँ।
सारे पालक को मैंने धोकर इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे पालक में मैं नमक भी डाल देती हूँ और पानी मैंने अभी ऐड नहीं किया है, तो पानी में डाल दूंगी। गैस मैंने ऑन कर दिया है, तो पालक में भी पानी है, इसमें मिनरल होता है, तो हम थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर लगभग पानी डाल दिया है और मैं इसी में टमाटर भी कट करके डाल दूंगी। तो मैं 4-5 टमाटर अभी डाल रही हूँ, उसके बाद फिर इसे धो लेती हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे हम टमाटर कट करके डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर कट करके डाल दिए हैं। अब मैं इसी में डाल दूंगी नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसे बंद कर देते हैं और पकने देते हैं। फिर बाकी जो फ्राई करना रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटी आने देती हूँ इसे और पकने दूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने मिर्ची लिए हैं, तो मिर्ची को मैं कट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ 3-4 मिर्ची लिया है, बहुत तीखी नहीं है ये। और यहाँ पे है हमारे पास टमाटर, तो इसे भी मैं टमाटर को भी कट कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पक चुका है ये टमाटर, तो इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। पहले भी मैंने 4-5 टमाटर डाला है, तो दाल और पालक में टमाटर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे और टमाटर डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, बेबी टमाटोज है। तो ये हमारे टमाटर भी कट कर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे है हमारे पास धनिए, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी। इतने धनिया डालूंगी मैं। तो ये रहे हमारे धनिया। और यहीं पे मैं 2 प्याज ले लूंगी, तो प्याज को भी मैं छील लेती हूँ। इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। सारी सब्जियों को काटते तक हमारे दाल और पालक भी पक जाएंगे। तो अभी 1 सीटी भी नहीं आई है, तो थोड़ी देर बाद इसमें सीटियाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो 1 टमाटर और डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ
पे एक और प्याज काट कर डाल देती हूँ मैं। तो मीडियम आकार में काटा है मैंने इसे। तो ये हमारा प्याज भी कटकर तैयार हो चुका है। अब यहीं पे मैं लहसुन भी छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है लहसुन। लहसुन रखे हुए सूख गया है तो छिलके बहुत जल्दी से आसानी से उतर रहे हैं। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा लहसुन। ये देखिए, तो यहाँ पे लहसुन हो चुका है हमारा। तो हम कचड़े को उठा लेते हैं और किनारे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया और लहसुन छिल कर तैयार हो चुका है। तो देखते हैं हमारे दाल का क्या हाल है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक भी सीटी नहीं आया है। तो कुछ देर में इसमें सीटी आ जाएगी, फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तब तक देखते रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट करिएगा। और प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो। तो यहाँ पे सीटी बजनी शुरू हो चुकी है। अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें मैंने थोड़े से धनिए के पत्ते भी ऐड कर दिए थे, तो उसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे पकने देते हैं, अभी एक ही सीटी हुआ है। तो चलिए हमारा दाल पक चुका है, अब हम इसमें तड़का तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का ऑयल, और यहीं पे मैं डाल देती हूँ आप लहसुन। तो लहसुन को मैं कट कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। जीरा चटकने लग जाएगा तो यहीं पर हम डाल देंगे लहसुन। तो हमारा जीरा तड़क चुका है, तो हम डाल देते हैं लहसुन की कलियां। और यहीं पे डाल देती हूँ मैं मिर्ची।
लहसुन और जीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यहीं से डाल देती हूँ मैं प्याज और सारी चीजों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो प्याज को अच्छी तरह से पकने देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेथी भी डाल रही हूँ, तो आप चाहे तो कच्ची मेथी भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हल्की सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसे मिला लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया अभी डाल देती हूँ और लास्ट में फिर डालूंगी मैं धनिया और इसे मिलाकर भून लेंगे इसे भी। तो आप देख सकते हैं हमारे दाल और पालक भी पक कर तैयार हो चुके हैं और ये देखिए हमारे दाल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इसे मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। और यहाँ पे प्याज में मैं डाल दूंगी, ये हमारे पास है टमाटर और इसी में मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है, तो इसे भी मिक्स कर देती हूँ और नमक ऐड कर दूँगी। तो पहले भी मैंने दाल में नमक डाल चुका है, तो इसीलिए टमाटर जितने नमक से गल जाए उतना ही नमक डालेंगे, तो थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ और इसे मिला लेती हूँ। सारी चीजों को अच्छे से पकने देती हैं। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है, तो मैं इसीलिए अब दाल को ऐड कर दूंगी और मिला लूंगी। तो चलिए फिर हम इसमें दाल को ऐड कर देते हैं। तो ये रही हमारी दालें जो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। तो दाल हमारी थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और इसे थोड़ा और पका लूंगी। तो इस तरह से हमारा पालक और दाल बनकर तैयार हो चुका है। तो ये हमारे मिक्स दालें हैं जिनसे हमने पालक और दाल बनाया है, तो इसमें उबाल आने देते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पालक और दाल मिक्स दाल की रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी सी दाल गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि जो हम तड़का बनाए हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी सी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी मसल कर डाल दूंगी, तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से डाल रही हूँ, आप चाहे तो डालें, यह ऑप्शनल है। और यहीं पे मैं थोड़े से धनिया भी ऐड कर देती हूँ और हमारा पालक दाल बनकर तैयार है। पौष्टिक गुणों से भरा हुआ मिक्स पालक दाल, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लग रहा है। तो ये रही हमारी
पौष्टिक सी पालक दाल। आप भी जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।